हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 12 दिसंबर 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और अब से ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐप पर एक अपडेट किया गया था, तो उस अपडेट के बाद अब आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्द ही ऐप पर फिर से आपके सामने टेस्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे करंट अफेयर के। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आपके गोल की तरफ नहीं ले जाती, वो आपको गोल से दूर करती हैं, तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं, यानी कि वो आपकी जो आदत होगी वो आपके समय को चेंज कर देगी। आपका जहाँ उन्नति होने वाली थी वहाँ अवनति हो जाएगी, जहाँ आप सफलता को प्राप्त करने वाले थे वहाँ आप असफल हो सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है एडमिरल करमवीर सिंह। इस प्रश्न का काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन तीन वो उत्तर जो आप लोगों ने चयन किया है। पहला उत्तर लगातार आप चयन कर रहे हैं श्वेता कुमारी जैन का, और दूसरा उत्तर है रायचंद्राम गोधारा का, और तीसरा उत्तर है अनिल निगवाले का। तो आप तीनों को बहुत बधाई, और आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो वीडियो को देखो पूरा ध्यान से और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दो। और जो उत्तर आप देते हो वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उसको लाइक कर सकें, और हाँ आपको उत्तर पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिविज़न कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाला विधेयक किस सदन के द्वारा पारित किया गया है और इसको लोकसभा ने पारित किया है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और तीसरा प्रश्न है कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत 90वें स्थान पर है, पहली बार टॉप 10 में भारत आया है। चौथा प्रश्न है कि 34 वर्षीय साना मरीन किस देश और विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, और ये फिनलैंड की चुनी गई हैं प्रधानमंत्री। पांचवा प्रश्न कि भारत का कौन सा क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया है, तो भारत का ग्रामीण क्षेत्र ये खुले में शौच से मुक्त हुआ है। वहीं छठवां प्रश्न है कि विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया है, और ये शहर अबूधाबी है जो कि यूएई की राजधानी है। सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं सुनील शेट्टी। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब जीता है, और ये खिताब जीता है भारत ने। और नवा प्रश्न है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ कहाँ हुआ है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और दसवां प्रश्न है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, और इसमें नंबर 1 पर भारत रहा है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के करंट अफेयर की बात शुरू करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो आता है पसंद तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलो। आगे बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ कि नागरिकता संशोधन विधेयक किस सदन द्वारा पारित कर दिया गया है, तो फाइनली नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है, और ये पारित किया गया है राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, और इसको लोकसभा पहले ही पारित कर चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको 9 तारीख की वीडियो में बताया था। नागरिकता संशोधन विधेयक होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है या नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके अंतर्गत ये इसमें संशोधन किया जाएगा, और संशोधन करके अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदायों के अवैध प्रवासी जो हैं, यानी कि भारत में रह रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। पहले क्या था एक्चुअल में कि 11 साल की अवधि थी कि 11 साल रहना पड़ता था, अब इस अवधि को समय करके कम करके 6 साल कर दिया गया, कि अगर कोई 6 साल तक भारत में रह रहा है तो उसको भी नागरिकता का अधिकार होगा। अब इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि क्या मुसलमान कभी भी दूसरे देश का मुसलमान क्या भारत का नागरिक नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए 11 साल की अवधि है, और गृह मंत्री ने बताया भी है वहाँ पर कि उन्होंने पिछले 5-6 सालों में 500 से ज़्यादा मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की है, उसमें से एक अदनान स्वामी भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते, लेकिन उनके लिए वो लंबा प्रोसीजर होगा, बस इतना फ़र्क है। ये 6 समुदाय कौन से हैं जिनको 6 साल की रहने के बाद ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ये हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि सशस्त्र संशोधन विधेयक 2019 किस सदन के द्वारा पारित किया गया है, और इसको जो पारित किया गया है वो पारित किया गया है राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा, यानी कि संसद ने पारित किया है। ए और बी दोनों सही उत्तर होंगे, सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है इसकी। तो राज्यसभा ने सशस्त्र संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है और उसके बाद संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया, और इस विधेयक से होगा ये कि कोई व्यक्ति जो है कई हथियार प्राप्त करने में लाइसेंस में कटौती करना, यानी एक व्यक्ति को ज़्यादा हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित कानून के उल्लंघन पर अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो दंड की सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। उसके अलावा कोई अगर अवैध रूप से हथियार बनाता है, हथियार बेचता है, हथियार रखता है, तो उसके लिए भी कठोर प्रावधानों की इसमें चर्चा की गई है। विधेयक में लाइसेंस धारक को केवल 2 हथियार रखने की अनुमति अब होगी। बात करेंगे संसद की। संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और ये वर्णन किया गया संविधान के अनुच्छेद 79 में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि भारत मानव विकास सूचकांक 2019 में कौन से स्थान पर है। तो भारत इस सूचकांक के अंदर हम बात करें तो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है 129वें स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने ये रिपोर्ट जारी की है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के नाम से इसको जानते हैं, और इस सूचकांक में भारत ने एक नंबर का सुधार किया है। पिछली बार 130वें नंबर पर था और इस बार भारत 129वें नंबर पर है। बात करते हैं सूची में सूर्य पर कौन है। तो नंबर 1 पर नॉर्वे है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 आयरलैंड और नंबर 5 पर जर्मनी है। जबकि सबसे लास्ट की बात करें तो नाइजर सबसे लास्ट में है, उसके ऊपर फिर दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, चैड और बुरुंडी, ये जो है सबसे निचले पायदानों पर है। अब बात करते हैं हम मानव विकास सूचकांक की यानी HDI की। तो इसको 3 पैरामीटर्स पर देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 पैरामीटर्स है जिसके आधार पर इसको मापा जाता है। इसकी शुरुआत की थी या सबसे पहले इसको बनाया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था, और पहला मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 1990 में जारी किया गया था। उसके बाद से इसको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि इसरो ने किस रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षी उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, और ये जो उपग्रह है इसका नाम है रीसेट, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इसरो ने रडार इमेजिंग भू पर्यवेक्षी उपग्रह रीसेट 2BR-1 को प्रक्षेपित कर दिया है, और ये प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से, और ये प्रक्षेपण यान जिसका यूज़ किया गया वो है PSLV-C48, और ये इस वाहन का 50वां मिशन है। 50वें मिशन पर ये जा रहा है। इसके साथ ये अपने साथ में इसराइल, इटली, जापान और अमेरिका के भी 9 उपग्रह को लेकर साथ में गया हुआ है। बात इसरो की करेंगे। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर के सिवान हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की कि किस देश के PM अबी अहमद को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये शांति पुरस्कार दिया गया है इथोपिया के PM को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद उनको प्रदान कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में योगदान के लिए 2019 का शांति पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार, और ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया गया है। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने किया था ये तो कि इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच जो लगातार एक लंबा संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इरिट्रिया इथियोपिया से ही अलग होकर बना था, जैसे भारत पाकिस्तान का प्रॉब्लम था इसी प्रकार से इनका प्रॉब्लम था, और उस संघर्ष को सुलझाने के लिए इनका जो योगदान दिया गया है उस योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। बात करेंगे हम इथियोपिया की, जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है और प्रधानमंत्री यहाँ के अबी अहमद है, मुद्रा यहाँ की बिर है। चलिए मैप में मैं आपको अब इथियोपिया और इरिट्रिया लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको इथियोपिया जाना है तो मूव करना होगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीकी कंट्री है, यहाँ पर इथियोपिया, इथियोपिया इसकी राजधानी देखेंगे तो ये अदिस अबाबा है, और इसी के साथ में सीमा लगती है इरिट्रिया की, इरिट्रिया जिसकी राजधानी अस्मारा है, ये इसी से अलग होकर बना हुआ देश है, राइट। और
इरिट्रिया की सीमा उधर रेड सी के साथ में लगती है, जबकि इसके आसपास जिबूती, सोमालिया, इधर देखेंगे तो केन्या, साउथ सूडान और सूडान की सीमा लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न छठवा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने के लिए अधिकृत किया है, और ये अधिकृत किया गया है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट बनाने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजनाएं चालू हैं उनको अनुबंध देने यानी मुद्रीकरण करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। अब इस निधि का गठन क्यों किया गया है? इसका गठन जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेवा बोर्ड, विनिमय बोर्ड यानी कि सेवी के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार होगा, और इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जो NHAI है उसको चुने हुए राजमार्गों से में टोल टैक्स की वसूली का अधिकार दिया जाएगा। तो ये जो टोल टैक्स अब ये वसूल करेगी कौन? NHAI। तो ये आप याद रखिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सातवां है कि किस राज्य ने 45 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, और ये निर्णय लिया गया है उड़ीसा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी 218 अदालतों के इसी प्रकार से गठन का निर्णय लिया था, तो वो भी आप याद रखिएगा। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो मामले होते हैं उनमें सुनवाई में तेजी लाने के लिए 45 नई फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया है, और इनमें 45 में से 21 अदालतें जो हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म से संबंधित मामले देखेगी, जबकि बाकी की बची हुई जो 24 अदालतें हैं वो बच्चों के प्रति यौन अपराध के मामलों में देखेगी। बात करेंगे हम ओडिशा की। मैप में देख लीजिए, ये ओडिशा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। ओडिशा के बारे में आपको बता देता हूँ, ये प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त राज्य है भारत का, राइट। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अलावा सिमलीपाल अभयारण्य है, गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है। दो प्रमुख बांध हैं, हीराकुंड बांध यहाँ पर बना हुआ है जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम आठवें प्रश्न की कि किसकी खोज करने वाले जॉर्ज लॉर का हाल ही में निधन हो गया है, और इनके द्वारा खोज की गई थी बार कोड की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आप सभी ने कभी ना कभी शॉपिंग मॉल्स के अंदर शॉपिंग की होगी, वहाँ से कुछ खरीदारी की होगी, तो आपको पता होगा कि इस प्रकार का एक बारकोड होता है, और हर प्रोडक्ट के पीछे आप जो कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से उसमें होता है ये, और इसको खोज की थी जॉर्ज जोसेफ लॉर के द्वारा, तो आप ये याद रखिएगा। और ये एक सर्वव्यापी अंकन प्रणाली है, 12 डिजिट इसमें होती हैं। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि बारकोड में कितनी डिजिट होती हैं, तो इसमें 12 डिजिट्स होती हैं जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होती है कि उसका प्राइस क्या है, क्या चीज़ हैं, क्या है, मतलब कुल मिलाकर कर उस बारकोड में सब जानकारी छुपी हुई होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि नवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, और ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इसका आयोजन किया जाता है, और इस दिन की जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी, पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट माउंटेन्स में किया जाए, वहाँ पर इस प्रकार से अंधाधुंध विकास ना किया जाए ताकि जो प्रकृति है उसको क्षति पहुँचे। 2019 की बात करें तो 2019 का जो विषय है यानी इस बार की जो थीम है वो है माउंटेन मैटर फॉर यूथ। तो याद रखिएगा, माउंटेन मैटर फॉर यूथ इस बार का जो है थीम रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम दसवें प्रश्न की कि विश्व की पूर्ण इलेक्ट्रिक विमान की पहली उड़ान किस देश में भरी गई, और ऐसा हुआ है कनाडा में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा के वैंकूवर में, वैंकूवर कनाडा के अंदर स्थित है, वहाँ से 10 दिसंबर 2019 को पहली उद्घाटन परीक्षण उड़ान भरी, यानी कि परीक्षण उड़ान थी लेकिन इसने ये उड़ान भरी है, और वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भरी है, राइट। ये प्रौद्योगिकी एयरलाइनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे उनकी लागत में बचत होगी और शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी कि अभी जो ईंधन खर्च होता है एयरक्राफ्ट के अंदर उसमें शून्य आएगा।
ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब हम बात करेंगे आज के सवाल की, और आज का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना के बारे में, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जो कुछ भी परीक्षा उपयोगी आप जानकारी दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जिनका उत्तर आपको पसंद आता है उस उत्तर को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि कल उस उत्तर को हम शामिल कर सकें हमारे वीडियो में। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।